हेलो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं द प्रल्यूड्स पोएम के सारे प्रल्यूड आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ प्रल्यूड थ्री लेकर इसी सीरीज़ में मैंने आपके लिए प्रल्यूड वन एंड टू बना चुकी हूँ जाकर देखिए उन वीडियोज़ को आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं तो आज हम लोग करने वाले हैं टी एस सिलेट की पोएम द प्रल्यूड्स का प्रल्यूड नंबर थ्री ओके सो इसकी लाइन्स हैं फ्रॉम ट्वेंटी फोर टू थर्टी एट यू टॉस्ड ड ब्लैंकेट बोथ सो सॉइल्ड हैंड्स ओके तो ये एक स्टैंडा है पूरा जिसमें प्रिलियोड थ्री आता है पूरा आज हम लोग करने वाले रेफरेंस टू कॉन्टेक्सट ऑफ दिस प्रियोड थ्री तो क्या दिया हुआ है इसमें देखते हैं द स्ट्रीट वॉकर थ्रोज अवे हिज ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड तो स्ट्रीट वॉकर जो है वो अपना ब्लैंकेट थ्रो कर रहा है फेंक रहा है फ्राम द बेड फॉर समाइम्स ही लाइज ऑन हिज बैक एंड वेट्स और वह अपनी बैक पर लेटा हुआ है और वो वेट कर रहा है देन ही डोजेज एंड इन हिज इमेजिनेशन थिंग्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिप्रेसिंग इमेज ऑफ़ द लास्ट नाइट और वो सोच रहा है अपनी इमेजिनेशन में कि कैसे थाउजेंड्स ऑफ डिप्रेसिंग इमेज उसकी लास्ट uh, नाइट के बारे में उसे याद आ रही हैं दीज इमेज अपियर ऑन द स्क्रीन ऑफ द सीलिंग ऑफ इज फाउल स्मेलिंग रूम उसका एक फाउल स्मेलिंग रूम है जिसमें से बहुत बैड uh, ऑर्डर आ रही है और वो जो सीलिंग uh, है उसके जो रूम की जो रूफ है उस पर एज एफ इट इज़ अ स्क्रीन और उसके जो सारी इमेज हैं वो उसको लास्ट नाइट की दिख रही हैं ओके वेन द डे रिटर्न विद इज फेमिलियर साइट्स एंड साउंड्स एंड द लाइट ऑफ द सन क्रीप्स अप बिटवीन द शटर्स एंड वन हीयर्स द चर्पिंग ऑफ द स्पैरोज ऑफ द इन द गटर्स ठीक है okay, and and the, the gutters, तो अब डे शुरू हो रहा है डे इज़ रिटर्निंग वापस दिन शुरू हो जाता है और वो ही फेमिलियर साइट्स और साउंड्स और उसे दिखती हैं वेन द लाइट ऑफ द सन क्रीप्स अप बिटवीन द शटर्स तो उसके रूम और उसके घर के जो शटर्स हैं वहाँ से सन दिख रहा है सन की ब्राइटनेस में वापस से उसे वो ही सारे फेमिलियर साइट्स और साउंड्स दिख रहे हैं जो उसे रात में दिखते रहे दिख रहे थे एंड वन हेयर्स द चर्पिंग ऑफ द स्पैरोज इन द गटर्स और वन कैन हियर द चर्पिंग ऑफ द स्पैरोज फ्रॉम द गटर्स नाउ uh, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं कि इसमें एक यू का डिस्क्रिप्शन uh, है और यू किसके लिए डिनोट uh, होता है यहाँ पर वो हम इस पैराग्राफ में देखने वाले हैं दीज लाइन्स ऑफ द थर्ड प्रिल्यूड प्रेजेंट पिक्चर ऑफ अ वूमन तो यहाँ पर एक वूमन की पिक्चर वूमन का जो कैरेक्टर uh, है उसको बताया गया है और यू स्टैंड फॉर द फिगर ऑफ अ वूमन और यहाँ पर एक यू जिसका जिक्र किया जाता है वो कौन है इट इज़ अ फिगर ऑफ अ वूमन शी अवेक्स बट शी डज़ नॉट गेट अप और सिट डाउन ऑन द बेड एट वंस वो उठती है सुबह बट शी डज नॉट गेट अप वो उठ अपने बेड से नहीं उठ रही है शी इज ओनली अवेकंड तो फिर वो क्या करती है और सिट डाउन और शी डज़ नॉट सिट डाउन ऑन द बेड एट वंस और वो बेड पे बैठ भी नहीं रही है बट शी इज़ लाइंग स्टिल ऑन हर बैक और वो अपनी बैक पर स्टिल लेटी हुई है शी अपियर्स टू बी हैविंग अ माइल्ड डोज और वो शी इज़ फॉलिंग अ स्लीप फॉर अ शॉर्टर पीरियड जब हम लोग को हम वो हमें नींद नहीं आ रही बट हम थोड़े से टाइम के लिए लेट जाते हैं जस्ट टू गेट रेस्ट तो उसे हम डोज़ कहते हैं डोज ऑफ़ तो वो भी उसे जो ये लेडी जो वूमन यहाँ पर जिसको बताया जा रहा है वो क्या करे शी इज़ हैविंग अ माइल्ड डोज

सीलिंग एंड मैनेज एज द लाइट क्रेप्ट इन टू द रूम बिटवीन द शटर्स और क्या हो रहा है कि दे दीज ऑल द सॉर्डेड एक्सपीरियंसेस आर फ्लैशिंग अप फॉर अ मोमेंट लाइक अ लाइक लैंटर्न स्लाइड्स ऑन द सीलिंग और एक लैंटर्न वहाँ पर जली हुई है और उस लैंटर्न से जो सीलिंग है जो रूफ है उस पर क्या है ऐसा लग रहा है एक लाइट आ रही है और वो सारी जो uh, उसकी नाइट के जो सॉर्डिड एक्सपीरियंसेज हैं वो उसको वहाँ पर फ्लैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड वैनिस्ड एज द लाइट क्रेप्टन टू द रूम बिटवीन द शटर्स और एज सुन एज जैसे ही सन की जो लाइट है वो उसकी आ, उसकी जो सीलिंग पर पड़ रही है तो वो सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके वो वैनिश हो जाते हैं उसकी इमेजेस वैनिश हो जाती हैं द वुमन सिट्स अप ऑन द एज ऑफ हर बेड और नाउ शी इज़ गेटिंग अप डाउन शी इज सिटिंग अप ऑन द एज ऑफ हर बेड curls the papers from from her hair और ओ, उसके बालों में जो curls आ गए हैं due to dirty pieces of paper वो उनको हटा रही है and grasps the yellow sole of her feet with the palms of both her dirty hands और उसके जो dirty hands हैं उसके जो feet के palm feet को वो क्या करी है feet के जो sole हैं उसको अपने palms से क्या करी है Rubbing, carrying, and then she begins to think of the trampled street outside and conjures up and uh, conjures up an end. ऑन स्ट्रीट लाइक विजन ऑफ इट और फिर वो आ, क्या कर रही है एक ट्रैम्पल स्ट्रीट जो उसे अपने आ, जो घर के शटर्स हैं उसमें से, उस से दिखाई दे रही है और शी इज़ इमेजिनिंग और शी इज़ थिंकिंग द वेरी ऑन स्ट्रीट लाइक विजन ऑफ इट वो स्ट्रीट को स्ट्रीट की तरह नहीं ले रही है और वो अपने आप को स्ट्रीट से कंपेयर कर रही है इन इस स्टैंडा में इन दिस वे द स्ट्रीट लाइक द वुमन फेसिस द डे विद अ ब्लैक एंड कॉन्शियंस तो कैसे क्यों अपने आपको वो आ, स्ट्रीट से कंपेयर करी बिकॉज जितने सॉर्डेड एक्सपीरियंसेस उसके रहे हैं उसी तरीके से वो सोच रही है कि जो स्ट्रीट में जो स्ट्रीट के साथ हुआ है कि हाउ पीपल यूज टू ट्रैम्पल देयर फीट हाउ दे हैव यूज्ड द स्ट्रीट एंड मेड दैट स्ट्रीट अनक्लीन्ड द सेम वे शी आल्सो थिंक्स फॉर हर्सेल्फ ओके तो आई uh, होप uh, ये जो था आपको समझ में आया होगा और uh, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है तो इस सीरीज़ में हमने अभी तक देख लिए हैं प्रिल्यूड वन हमने किया हमने टू भी किया और आज हमने इसी सीरीज़ में प्रिल्यूड थ्री को भी फिनिश कर दिया है तो देर इज़ ओनली वन टू गो ओके सो अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो इन्हें जाकर देखिए और आपको कमेंट बॉक्स में कुछ भी अगर आपको अगले आने वाले वीडियोस में जो भी टॉपिक्स देखने हैं आप उनके बारे में उसे डिस्कस कर सकते हैं आ, वीडियोस पसंद आ रहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ओके तो ऑन दिस नोट बाय